हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चर। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इस लेक्चर को भी शुरू करने जा रहा हूँ आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है द क्वाइट यू बिकम द मोर यू कैन हियर। इसका अर्थ ही है बच्चों कि जितना ज्यादा आप शांत रहोगे उतना ही ज्यादा सुनोगे, और जितना ही ज्यादा आप सुनोगे उतना ही ज्यादा समझोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। इसीलिए बच्चों, शांत रहना सीखो और वही सुनो जो आपके लिए जरूरी है। जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसे हमेशा अनसुना करो, तभी जाकर के आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे। चलिए, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपका एजुकेटर चंदन सर आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि आज के इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रॉब्लम्स पोस्ट बाय एमएसपी एंड सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडियन जीडीपी। और हमेशा की तरह आज फिर से मैं लेके आया हूँ डू यू नो सेक्शन, और डू यू नो सेक्शन में आज फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों कि आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 एग्रीकल्चर चैप्टर पे देख लिए होंगे, और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 देख रहे होंगे। एक बात और है बच्चों कि आप मेरे लेक्चर को अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि यदि आप अंत तक मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूदान ग्रामदान मूवमेंट के बारे में। आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि हमारे देश में शुरू से ही लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। समाज में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं है, और समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता है। आप देखिएगा कि समाज का वो वर्ग जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता था उसे जमींदार कहा जाता है, और जमींदार लोगों का जो समाज में सम्मान है वर्चस्व वो शुरू से ही बहुत ज्यादा रहा है। आप देखिएगा कि भारत का विकास जो है उसमें रुकावट बहुत बड़ा लेकर के आया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को ठीक करने के लिए भूदान और ग्रामदान मूवमेंट को शुरू किया गया था। भूदान ग्रामदान मूवमेंट को जो लीड किए थे उनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और एक क्रांतिकारी नेता थे, और विनोबा भावे का विचार जो था वो गांधी जी से काफी ज्यादा मिलता था। विनोबा भावे गांधी जी की तरह हमारे देश में ग्राम स्वराज की वकालत करते थे। ग्राम स्वराज कहने का अर्थ ये है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो, और गांव का विकास तभी होगा जब गांव जो है आत्मनिर्भर रहेगा। गांव आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब गांव में सभी लोग संपन्न रहेंगे, सभी लोगों के पास जो है जमीन रहेगा जिसपे वो अपने रोजी रोटी को कमा सकेंगे। तो आप देखिए बच्चों कि ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी गांधी जी की, उसी को पूरा करने के लिए ने विनोबा भावे ने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। विनोबा भावे पद यात्रा की हमारे देश के अलग अलग कोनों में, और लोगों को प्रेरित किया कि लोग जो है वो स्वेच्छा से सामाजिक कर्तव्य के रूप में जो जमीन है उसको उन लोगों को दान करें जिनके पास हमारे देश में बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो इसी मूवमेंट को क्या कहा गया था आपका? ग्राम दान भूदान मूवमेंट। ग्राम दान भूदान मूवमेंट जो है एक वॉलेंटरी मूवमेंट था जिसमें स्वेच्छा से जमींदार जो है अपने लैंड को और अपने विलेजेस को डोनेट किए उन लोगों को जिनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं था। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, और इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़े थोड़े जमीन के लिए हमारे देश में जो है वो खून बह जाते हैं, लेकिन ग्रामदान और भूदान मूवमेंट में जमींदारों के सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने हेतु जो भी
लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लैंडर्स लोगों के बीच में, उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और ग्राम नान भूदान मूवमेंट एक सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में जो है साबित हुआ, जिसकी वजह से बहुत हद तक जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है हमारे देश में उसको ठीक किया गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आज के इस लेक्चर का सेकंड टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। आपको जो मैंने पहले ही बताया है कि फूड सिक्योरिटी उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में फूड प्रोडक्ट अवेलेबल है और फूड प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के पास इतनी क्षमता है कि लोग फूड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। बिना एग्रीकल्चर का फूड सिक्योरिटी हमारे देश में नहीं हो सकता। अभी फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक स्टॉक है फूड प्रोडक्ट का जो कि मेंटेन किया जाता है FCI के द्वारा हमारे देश में। जब भी फूड की जरूरत पड़ती है हमारे देश में तो बफर स्टॉक में जो भी फूड स्टोर हुए रहते हैं उन फूड को FCI डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे देश के अलग अलग भागों में। तो हम लोग कह सकते हैं बफर स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ फूड प्रोडक्ट मेंटेन बाय द FCI इन गोडाउन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द बफर स्टॉक इज यूज फॉर फुलफिलिंग द वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। FCI क्या होता है? तो FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ही काम है फूड प्रोडक्ट को प्रोक्यूर करना और फूड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना जहां जहां फूड प्रोडक्ट की जरूरत है हमारे देश में। नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट है फूड सिक्योरिटी का उसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड का जिसमें फूड प्रोडक्ट को अवेलेबल किए जाते हैं जो समाज के बहुत ही कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए। आप देखिएगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत FCI जो है वो फूड प्रोडक्ट को प्रोक्यूर करता है फार्मर्स से और उसके बाद अलग अलग राशन शॉप की मदद से जो फूड प्रोडक्ट है उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है काफी सस्ते दामों में। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने जो भी वीकर सेक्शन हमारे सोसाइटी का उसको दो ग्रुप में बांटा है, एक है आपका BPL और एक है आपका APL। BPL बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन और APL बोले तो अबव पॉवर्टी लाइन। BPL में जो लोग रहते हैं उनको काफी सस्ते दामों पे फूड प्रोडक्ट को दिए जाते हैं और जो APL में रहते हैं उनको भी फूड प्रोडक्ट सस्ते ही दामों मिलते हैं, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट का दाम रहता है APL लोगों के लिए वो थोड़ा ज्यादा होता है BPL लोगों के अपेक्षा। चलिए आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके इनकम जो है वो ज्यादा है लेकिन फिर भी वो गलत तरीके से BPL में शामिल होकर के जो हमारे देश के पुअर लोग हैं उनके हक को मारने का काम कर रहे हैं। साथ में आप देखिएगा कि जो हमारे देश में संपन्न वर्ग है वो भी जो है बहुत सारे फायदे उठा रहे हैं BPL और APL ग्रुप में शामिल होकर के। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो गरीब तबका है उसे जो अनाज मिलना चाहिए जितने मात्रा में उतना नहीं मिल पाता है और ऐसे लोग जिनके पास इनकम हाई है और वो अपने फूड रिक्वायरमेंट को अपने बल पर पूरा कर सकते हैं वो लोग जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से जो है अपने जो है ग्रीडीनेस को पूरा करने का काम कर रहे हैं, अपने लालच को पूरा करने का काम कर रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर का थर्ड टॉपिक और जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय MSP एंड सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। आप देखिए बच्चों कि इसमें कोई शक नहीं है कि MSP और सब्सिडी के कारण फार्मर्स का वेलफेयर हमारे देश में हुआ है। सब्सिडी और MSP के कारण फार्मर्स का इनकम बढ़ा है, साथ में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो भी कम हुआ है, इसके कारण हमारे देश का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो पाया है। लेकिन आप देखिएगा कि इसी सब्सिडी और MSP के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हमारे देश में और उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो आप देखिएगा कि प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है
एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड ओवर इरिगेशन लेड टू डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखिए बच्चों कि हमारे देश में फार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, साथ में फार्मर जो है वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को जरूरत से ज्यादा इरिगेट कर रहे हैं, इसके कारण जो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो हमारे देश का कम हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा वजह जो है जानकार मानते हैं कि सब्सिडी है। जब फार्मर्स को सब्सिडी में केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं तो फार्मर्स का जो खर्चा है केमिकल फर्टिलाइजर में वो कम हो जाता है, और इसके कारण जो फार्मर्स है वो ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट को पाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। साथ में आप देखिएगा कि पावर भी फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है सब्सिडी में देता है, और पावर का भी जो है वो इम्प्रॉपर यूज फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं। पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पंपिंग सेट का यूज किया जाता है, जिससे जो आपका वाटर है उसको काफी ज्यादा नीचे से ग्राउंड वाटर से उसे निकाल करके एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट किया जाता है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर लैंड का प्रोडक्टिविटी है वह बहुत ज्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि इन एन अटेम्प्ट टू गेट हाई एमएसपी इंडियन फार्मर्स ग्रो मोर व्हीट एंड राइस देन अदर क्रॉप्स व्हिच लेड टू द सीरियस इंबैलेंस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। हमारे देश में आप देखिएगा कि सरकार के द्वारा एमएसपी दिए जाते हैं। अब एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी को हम लोग बोलते हैं कि वह प्राइस जिस पे गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से फूड प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार रहता है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो राइस और वीट है उसको ज्यादा एमएसपी मिलता है, और ज्यादा एमएसपी लेने के चक्कर में जो फार्मर्स हमारे देश में वो ज्यादा अपना फोकस पे करते हैं राइस और वीट के प्रोडक्शन के ऊपर, और इसी कारण जो दूसरे क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जितना ध्यान फार्मर्स का होना चाहिए उतना ध्यान फार्मर्स का नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इनबैलेंस है इन प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में जो कि क्रिएट किया जा रहा है किसके द्वारा, एमएसपी और सब्सिडी के द्वारा जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किन्हें, फार्मर्स को। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि हमारे देश में पावर जो है वो सस्ते में मिल रहे हैं, साथ में बहुत सारे पंपिंग सेट सब्सिडी में मिल रहा है फार्मर्स, और इन सभी के कारण जो फार्मर्स है वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को ओवर इरिगेट कर रहे हैं, और इसके कारण वाटर लॉगिंग हमारे देश में हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। और आप देखिएगा कि जब ओवर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर का तो इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स का जो फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये भी देखा गया बच्चों की जो पुअर फार्मर्स है जो स्मॉल फार्मर्स है उनका जो बोरिंग होता है उसका डेप्थ कम होता है, क्योंकि पैसे कमी कारण वो ज्यादा डेप्थ तक बोरिंग नहीं करवा पाते हैं, और जब कम डेप्थ तक बोरिंग होता है तो उससे क्या होगा ग्राउंड वाटर लेवल जब बहुत नीचे चला जाएगा तो बहुत सारे फार्मर्स का जो पंपिंग सेट है ज्यादातर जो पुअर स्मॉल है उनका पंपिंग सेट जो है वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है, और रिच फार्मर जो है वो अपने धन के बदौलत गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी उन्हें दिए जाते हैं उनके बदौलत बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं और अपने एग्रीकल्चर लैंड को ओवर इरिगेट करते हैं। चलिए तो आप देखिएगा कि सब्सिडी और एमएसपी गवर्नमेंट को देना चाहिए फार्मर्स को, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी और एमएसपी फार्मर्स को मिल रहा है उसका फार्मर जो है वो दुरुपयोग ना करे, बल्कि सब्सिडी और एमएसपी की मदद से फार्मर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने में जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखे, जिससे कि हमारा देश का जो है वो विकास हो सकेगा। चलिए अब आज के इस लेक्चर का हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडियन जीडीपी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बच्चों कि हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर का वो धीरे धीरे जो है काफी कम होते चला जा रहा है।
आप देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा जो है आश्चर्य होता है ये देख करके कि जो एग्रीकल्चर हमारे देश के 65% लोगों को लगभग एम्प्लॉयमेंट देता है, वही एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन जीडीपी में 17% के लगभग में है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों कि हमारे देश में जितना लोग इंप्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन जीडीपी में नहीं है। और यह हमें ध्यान हमारी खिस्ता है किसके ऊपर? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर में यह देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफी ओवरबर्डन है। और अगर इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो ये काफी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और काफी हद तक इंडिया का जो विकास है वो एग्रीकल्चर के विकास के ऊपर टिका हुआ है। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है तरह तरह के योजनाएं बना रही है, साथ में बहुत सारे योजनाओं का जो है सफलतापूर्वक जो है वो देश में लागू भी किया गया है। और जो है गवर्नमेंट बहुत सारे रिसर्च को ही बढ़ावा दे रही है इंडिया में, ताकि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन, और आज के इस लेक्चर का जो लास्ट सेक्शन है वो है डू यू नो सेक्शन। और आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फूड प्रोडक्ट का वो है यूएसए। USA is the largest exporter of food product in the world. तो बच्चों I hope that you understood clearly whatever I taught just now in my lecture. So if you like my lecture, then don't forget to subscribe my channel, and my channel name is Socionomics, a complete guide for social science. Thank you very much and keep watching my videos on my YouTube channel.